मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं सोचूंगा मैं रिटायर करूंगा, आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा, छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं मैं रिटायर नहीं हो रहा, लेकिन कमलनाथ को राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने आखिरकार रिटायर कर ही दिया। कमलनाथ का पत्ता काटने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान ऐसे जवान को सौंपी गई है जिसकी फजीहत होना तय है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई तस्वीर बन रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब किसी सीनियर लीडर के हाथ में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के खास जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है। कांग्रेस की हार के बाद एक तरफ तो कमलनाथ ने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भरे मंच से ये दावा भी किया कि वो रिटायर नहीं होने वाले। लेकिन अब कांग्रेस आला कमान ने जबरदस्ती उन्हें रिटायर कर दिया है, या यूं कहें कि पहले ही वीआरएस दे दिया। पार्टी ने इस बार दिग्विजय और कमलनाथ के गुट से अलग किसी नेता को अपनी कमान सौंपी। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने ऑपरेशन परिवर्तन को अंजाम तो दिया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कार्य प्रणाली में काफी अंतर है, और वही अंतर है यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, जिसके चलते अब एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत होना तय है। पार्टी आलाकमान ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसके अलावा उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष, तो हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं को तेज तर्रार पटवारी से आदेश लेना रास आएगा। जिस तरह से अपने संगठन में बीजेपी ने बदलाव किया, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। लेकिन जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक मुसीबत मोल ली है। भले ही पटवारी राहुल गांधी के खास हों, लेकिन उन्हें एक बार चुनाव जीतने के बाद जब मंत्री पद दिया गया, इस दौरान कई बार पटवारी विवादों में घिरे। कांग्रेस नेताओं की तरह पटवारी ने भी खुद को लोगों से दूर कर लिया। इतना ही नहीं, उनके विवादित बयानों ने उन्हें हर बार मीडिया की सुर्खियों में लाकर खड़ा किया। अब ऐसे में शॉर्ट टेम्पर्ड जीतू पटवारी, जो चुनाव के एक दिन पहले कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, क्या वो कमलनाथ की तरह अपने कार्यकर्ताओं से तालमेल बिठा पाएंगे? जीतू पटवारी से भले ही राहुल गांधी बड़ी उम्मीदें लगा ले, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन वर्मा और कमलनाथ किस तरह पटवारी के निर्देशन में काम करेंगे? हो सकता है एक बार फिर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा गुटों में बढ़ जाए। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।